तो हेलो आदाब, कैसे हैं आप। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग और एक नई जगह। एग्जैक्टली मैं हूं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। और अगर लखनऊ का ब्लॉगर हूं, लखनऊ की बात करता हूं आपसे ख़ास तौर पर, तो अगर ये मैंने आपको अगर नहीं दिखाया तो फिर यार ब्लॉग बनाना ही बेकार है, क्योंकि लखनऊ के चारबाग बहुत मशहूर, बहुत प्रमुख वाला रेलवे स्टेशन है ये। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार आप हैरान हो जाओगे कि ये 106 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1914 में इसका उद्घाटन हुआ था। और ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से सारी जो रेलवे जो भी ट्रेनें हैं ना एरियाज़ की जाने वाली, वो सारी यहाँ से हैं, सारे मिलते हैं। अभी आप मेरे साथ पीछे अनाउंसमेंट सुन सकते होंगे, कोरोना को लेकर जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो सुनाई दे रहा होगा आपको। एंड बस चलते हैं, आपको अंदर का भी मैं व्यू दिखाऊंगा। और एक ख़ास वाली बात जो यहाँ की है, मेन रेलवे स्टेशन पे आपको दरगाह एक दिखाऊंगा मैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, उसकी भी बहुत सारी हिस्ट्री है। खम्बन पीर बाबा उनको कहते हैं और बहुत मान्यता है, लोग बहुत आते हैं वहाँ पर, तो वो भी मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा, वहाँ भी आपको दिखाऊँगा सारी चीज़ें। हमारे भारत का झंडा भी यहाँ पे देख लें, फ्लैग आपको नज़र आएगा जो बहुत ऊपर और बहुत बड़ा है। ऐसा ही तिरंगा हमारा चमकता रहे, लहराता रहे, तिरंगा हमारा तुझे सलाम। चारबाग रेलवे स्टेशन जब आप आएंगे ना, आपको एक रेल का इंजन, हाँ एग्जैक्टली ये इंजन ही है, वो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर। और ये अंग्रेज़ों के वक्त का ये ट्रेन है, जब वो होता था कोयले से चलने वाली, मुझे तो याद नहीं है, बचपन में हमने पढ़ाई करी थी। कौन थे यार जो कुछ खाना पका रहे थे, फिर ऐसे कुछ थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, स्ट्रीम एग्जैक्टली मैं तो अब भूल चुका हूँ। सो देखिए, रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन पे मैं हूँ और इसकी खासियत और काबिलियत और क्या खूबी है, मेरे साथ ये जो है ना हमारे सलेमान सुल्तान साहब, जिनको हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा मालूम है, ये बताएंगे। इनसे सुने आप, ज़रा बताओ इस रेलवे स्टेशन के बारे में। दुनिया का ये एक मतलब एक अपना अकेला रेलवे स्टेशन है जो ऊपर से देखने पे शतरंज की जो बिसात होती है, मतलब जो चेस हम लोग खेलते हैं ना, उसके जैसे उसकी मोहरे होती हैं सारी ना, वैसे नज़र आता है आसमान से देखने में। और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट मीटिंग यहीं पे हुई थी। अच्छा, पहली बार वो यहाँ मिले थे। और जब अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सारे मतलब गरीब मजदूर जो है अंग्रेज़ पकड़ पकड़ के ले जाते थे, उनको दूसरे मतलब समंदरी इलाकों में जो छोटे छोटे टापू होते थे उसमें जाके बसाते थे, अपने फैक्ट्रीज में काम करवाते थे। तो गांधी जी ने वो यहीं से शुरू की थी वो अभियान कि नहीं जाएंगे कोई भी। तभी तो मॉरिशस में बहुत सारे यूपी के लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं उनकी अपनी। मॉरिशस में भोजपुरी बोलते हैं? सीरियसली? हाँ सीरियसली, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अरे वाह। और वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है क्योंकि यूपी के बहुत सारे मजदूर उस वक्त गन्ना मजदूर जो होते थे ना, खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज ले जाते थे यहाँ से, तभी तो वहाँ पे बस साउथ, इवन साउथ अफ्रीका में बसे। अच्छा, ये नेहरू जी और गांधी जी की पहली मुलाकात यहाँ हुई थी? यहीं पे हुई थी। ये क्या बात है यार, काम जो मतलब जो वो हुआ था जो स्टार्टिंग हुई थी, जो लड़ाई जो शुरू हुई थी अंग्रेजों से, उसकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका है ये रेलवे स्टेशन। क्या बात है। तो आपने जाना ये चारबाग रेलवे स्टेशन की कितनी सारी खूबियां और खासियत है। यहाँ पे बहुत सारी टनल्स ऐसे हैं जो मतलब अंडरग्राउंड पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। हम लोग चले जिस तरफ हम जा रहे हैं, एक्चुअली ये बड़ी लाइन की तरफ हम चल रहे हैं एंड यहाँ पे छोटी लाइन भी है। और जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का है, केरला वगैरह में जब गया हूँ तो छोटी लाइन पे आपको नज़र आएगी। फिलहाल ये हम अंदर पहुँच चुके हैं। जहाँ हमें जाना है वो है दरगाह खम्बन पीर बाबा की, और वहाँ हमें जाना है, आप सामने देख पा रहे होंगे वहाँ पर। और कहते हैं कि ये दरगाह अंग्रेज़ों के ज़माने का है और बहुत सारी इसकी कहानियाँ हैं कि रेल की पटरी उस टाइम पर जब बिछाई जाती थी तो शायद बिछती नहीं थी, और कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। मैं अभी मालूम करके ज़रूर आपको सारी डिटेल बताऊँगा। फ़िलहाल मैं हूँ अभी चारबाग रेलवे स्टेशन में। आप देखें ये कितना खामोशी भरा है, क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही बिकॉज ऑफ द कोरोना काल।
आह कभी था वक्त जमाना जब ये था आबाद। फिलहाल चलते हैं उस दरगाह की तरफ। तो ये दरगाह का सफ़र आसान नहीं है, आपने बहुत सारे दरगाह देखे होंगे। आसानी से आपको रास्ते मिल जाते हैं, चलने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के दरगाह यानी खंबर पीर चारबाग वाले बाबा के पास आप जाएंगे तो इस तरीके का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। आप देखें रेलवे ट्रैक को पार करके बहुत सारा रिस्क लेके यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पटरी के बीचों बीच में दरगाह बना हुआ है। और देखें यहाँ पर ट्रेन खड़ी भी है हमारे पास, आप देख पा रहे हो। और कितनी ट्रेन, चारबाग इज द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ द लखनऊ, और यहाँ पर सारी ट्रेनें कनेक्ट होती हैं, आती जाती हैं सारे शहरों की। तो सोचिए आप, ये मेन जगह है जहाँ पे कितनी ट्रेनें आती होंगी और कैसे लोग इस दरगाह तक पहुँचते होंगे, वहाँ मंजिल तय करते होंगे, आप खुद सोचें इसको। सो सुलेमान सुल्तान भी हमारे साथ हैं। सुलेमान सुल्तान कैसा लग रहा है? मैं तो आया हूँ बहुत बार। कितनी बार आए हो? वैसे मैं भी आया हूँ, लेकिन आज ब्लॉग के चक्कर में यहाँ आना पड़ रहा है। तो सो खंबन पीर बाबा की जियारत के लिए आप देखें कितने मुश्किलों भरा सफ़र तय कर रहा हूँ, और ये रेलवे, आप पीछे से कहीं ट्रेन ना आ जाए। हाँ चलो, फ़ोन सामने है तो नज़र आ रहा है सारी चीज़ें, तो ये ठीक है। बहुत रिस्की है, लेकिन कहते हैं कि आप यहाँ आते हैं तो आपकी मन्नतें मुरादें कुछ भी आपके दिल में है। पटरी में उसका पैर फंस गया था, मीना कुमारी जो हीरोइन है, हाँ। वो शूटिंग चल रही थी ना पाकिजा की, यहीं हाँ। उसका पैर, तो पाकिजा की शूटिंग यहाँ हुई है? नहीं, लखनऊ में हुई है ना पूरी, तो यहाँ पे हुई थी पटरी पे। ओह, तो पाकिजा मूवी, ये भी की हिस्ट्री मालूम चली कि पाकिजा मूवी की शूटिंग यहाँ हुई, और क्या मीना कुमारी, मीना कुमारी के पैर इसी रेलवे ट्रैक में फंस गया था, ये पता नहीं सही है, मुझे नहीं पता, ये सुलेमान सुल्तान बता रहा है। तो हम तो दरगाह की तरफ चल रहे हैं। सो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, देखें रेलवे ट्रैक के एकदम पास में ही है खंबन पीर बाबा का ये दरगाह, और अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना रेलवे, ये रेलवे स्टेशन पर ये बना हुआ दरगाह है। एक्चुअली दरगाह पहले था, रेलवे स्टेशन बाद में बना है। सो ये देखें फिलहाल इसकी है एंट्री, और देखें आप कितनी पुरानी दरगाह है ये। देखें आप, ये यहाँ वजू बनाने के लिए आप यहाँ पर भी इस तरीके से वजू बना सकते हैं, अवेलेबल है, और खुशबू लगानी हो अगर बत्ती यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये है वो दरगाह जो बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का दरगाह है। वैसे मेरी कोशिश होगी कि अंदर की वीडियो शायद शूट करने दें या ना दे, मैं कोशिश करूँगा कि शूट करने को मिल जाए। बाबा की जियारत कर ली, और जो भी दुआएं थी वो मैंने मांगी बाबा से, ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। और मैं दिल की बात बताऊं यार, यहाँ पर आकर इतना सुकून मिला, शायद बहुत पहले आया था, कोविड के पहले तो आया होगा। हाँ एग्जैक्टली, अच्छा नौ चंदी जुमेरात को तो मैं आता ही आता यहाँ पर था, घर से है दूर आई नो दैट, बट यहाँ पर आया और अच्छा लगा मुझे सब कुछ। और बस होप, बाबा से ये ख्वाहिश है कि बाबा मेरी दुआ कबूल कर लें, पूरी हो जाए। वैसे हर इंसान की ज़िंदगी में ना मुकम्मल कोई भी शख्स नहीं है, उसके ज़िंदगी में कमियां रहती हैं। वैसे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर जो एटमॉस्फियर है वो भी बहुत अच्छा है। आप देखें यहाँ इस तरीके का अगरबत्ती, ये खुशबू की जल रही है, वो भी बहुत अच्छी लगी। तो फिलहाल मैं यहाँ से अभी जाने का मेरा वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर लखनऊ वासी हैं तो इस दरगाह पे ज़रूर आना, अगर नहीं है तो लखनऊ आकर इस दरगाह पे ज़रूर आना, चारबाग रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेगा। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको ये दरगाह नज़र आ जाएगी, ये अच्छी वाली बात है। एक बार ज़रूर आना, ज़रूर आना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इतनी पुरानी दरगाह रेलवे स्टेशन पर है, आप इसको देखो, अच्छा बहुत लगेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
guess I just wanna go.